नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए 2 सीट में नामांकन किया। सीएम योगी ने के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सीएम ने नामांकन के दौरान संपत्ति का ब्यौरा दिया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संपत्ति पिछले साल से करीब 59 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। होमएलसी चुने जाने के बाद समय उनकी संपत्ति 95,098 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,54,00,000 हो गई है। 94,054 रुपए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2017 की बात करें तो सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72,17,000 रुपए की थी। शपथ पत्र के मुताबिक वर्तमान में मुख्यमंत्री की आय 1,54,00,000 रुपए है। पास में कोई गाड़ी नहीं है। भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मोदी सिंह ने कहा कि यह चुनाव योगी और मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पट्टी विधानसभा में जो विकास किया गया है उसी विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार वह नहीं बल्कि उनके चुनाव को पट्टी की जनता लड़ रही है। वहीं इसके अलावा बसपा के नए चेहरे फूलचंद मिश्र तो कांग्रेस ने सुनीता पटेल को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है और लोकतंत्र का ये पर्व हर 5 साल में निश्चित होता है, उसमें प्रतापगढ़ भी शामिल है। मैं पट्टी से इतने दिनों से मैं वहाँ का विधायक हूँ। आज भी हमने नामांकन किया। मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नाम पर, योगी जी के काम पर, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर मुझे प्रचंड बहुमत से इस बार भी विजय मिलेगी। संबल में मेरठ से रैली कर वापस जा रहे हैदराबाद के सांसद ओवैसी पर हुए हमले में विरोध में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने जाने की मांग की है और घटना को खुलासा भी किए जाने की मांग की है। वहीं वरिष्ठ उद्योगपति AIMIM के विधानसभा से प्रत्याशी मुशीर खान तरीन ने हमले के पीछे सपा और भाजपा का हाथ बताया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला भी साथ रहे। इनके इन्हें ये डर है कि AIMIM के राष्ट्रीय सदर ओवैसी साहब का जानादार बढ़ता चला जा रहा है और उनकी कामयाबी का डंका जो है वो बहुत बड़े स्तर से बज चुका है और लोगों के अंदर, जनता के अंदर एक भय फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हाथ तो देखें, अभी ये तो पता नहीं। 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और जो ये पुलिस का काम है कि वो जल्दी से जल्दी उसकी जो है छानबीन करें और जो लोग ऐसे शरारती हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजें। ओवैसी साहब को इत्तेहाद मुस्लिमीन को हर वर्ग का साथ मिल रहा है। दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, सभी की आवाज़ वो उठाते हैं, सभी के बीच में ओवैसी साहब रहते हैं। इसी की लोकप्रियता को देखकर आज विपक्षी दल बौखला गए हैं और उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो है ये जो लोग सामने आए हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मानपुरी स्थित बीकानेर एक्सप्रेस में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें आगरा से एडवोकेट सुरेश चंद ने बताया कि जिस तरह से SP सिंह बघेल ने करहल की विधानसभा पर नामांकन किया वह सरासर गलत व फर्जी है, क्योंकि उसमें जिस जाति का प्रमाण पत्र लगाया गया है उसकी वो जाति है ही नहीं। उन्होंने बताया कि SP सिंह बघेल करीब 4 जातियों के साथ अपना नाम भी बदल देता है और कई समय से इस तरह का कार्य चल रहा है। वहीं पर सुरेश चंद ने बताया कि संबंध में जिलाधिकारी मैनपुरी से भी मुलाकात की गई है, उन्होंने लिखित शिकायत पत्र दिया है। नामांकन वापस होना चाहिए और त्यागपत्र देना चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जो ये विधानसभा में रह करके इन्होंने मंत्री बन के जो खर्चा किया है वो इनसे रिकवर होना चाहिए। सांसद बन के जो ये धन प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का बन के कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो जो संविधान में परिभाषित की गई है जातियां, उसके विपरीत कार्य है।
तो वहीं मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता माधवेंद्र बहादुर टक्कर देंगे। मऊ चार विधानसभा है जिसमें से सबसे अधिक चर्चा सदर विधानसभा को लेकर रहती है, और वो इसलिए कि यहां पर पांच बार से लगातार विधायक रहे मुख्तार अंसारी 2017 से लगातार जेल में है। इसलिए सदर सीट पर कांग्रेस पार्टी ने मऊ के रहने वाले माधवेंद्र बहादुर को चुनावी रण में उतारा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए उनके पिता सुरेश बहादुर ने कई जानकारियां दी। या केवल मुझे अधिकार दे दो लोगों को प्यार बांटने का, असेंबली में उनकी बात को उठाने का, जो सुख सुविधा मिलती हो वह तुम ले लो, तुम मतलब जो कैंडिडेट चाहे वह ले ले, जो कैंडिडेट चाहे वह ले ले, हमें केवल असेंबली में जाने का अधिकार दे दो और एमएलए को जो अधिकार है वह दे दो, उसके सुख सुविधा रुपया पैसा जो मिलता हो वो आपके हवाले। मुझे जनसेवा करना है तो मैं जनसेवा उस रूप में। संबल के असमोली विधानसभा 32 के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम गांव में जाकर डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम गांव में पड़े बदहाल रास्तों को देखकर बयान दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि योगी मोदी की सरकार में यह नहीं देख रहे हैं कि गांव में क्या हाल है, पैदल चलना भी दुश्वार है और नालियां भी गंदी पड़ी है, इससे बीमारियां फैलती हैं, करीब बच्चे बीमार होकर डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो वहीं अलीगढ़ में संपूर्ण वैश्य समाज की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें वर्तमान के राजनीति परिवेश में वैश्य समाज और व्यापारी संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। गोष्ठी में संगठन के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। ये भी कहा गया कि वैश्य समाज देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख धुरी है, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा, सामाजिक कार्य, समाज सेवा हो और सर्विस सेक्टर हो, इन सभी में वैश्य समाज की प्रभावी भूमिका रहती है। सब लोगों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जो हम लोगों में आपस में एकता है उसका क्या प्रारूप है और हम लोग अपनी पूरी शक्ति से समस्त वैश्य समाज किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि चुन करके आएंगे उनके परिवेश को बदल सकते हैं, ये हम एकजुट होकर के दिखाना चाहते हैं। इस संबंध में ही हमारे माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी यहाँ पर आ रहे हैं और वह इस क्षेत्र में जो भी आपस में हम लोगों की एक रूपता है और उसको कैसे और उसको बदला जा सकता है, दृढ़ बनाया जा सकता है, उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। बंधुओं, आपस में हम लोग सब एक हैं, लेकिन कुछ लोग अराजक तत्व हम लोगों में मतभेद करना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, यह हम अपनी पूरी शक्ति समस्त वैश्य समाज प्रदर्शित करेगा। कल उस संबंध में हम लोग एक गोष्ठी कर रहे हैं। 10 तारीख से वोट पड़ने हैं तो वैश्य समाज एक तरफ स्कूल निर्माण करता है, अस्पतालों का निर्माण करता है, धर्मशालाओं का निर्माण करता है, तो ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश का निर्माण होने जा रहा है, इस देश का निर्माण होने जा रहा है, तो वैश्य समाज इसमें भी अपनी महती भूमिका निभाएगा। हमारी भूमिका इस राष्ट्र के निर्माण में, इस उत्तर प्रदेश के पुनर्निर्माण में क्या होनी चाहिए, उस विषय पर कल एक गोष्ठी हम लोग करने जा रहे हैं। इस गोष्ठी में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बहुत ही कर्मठ आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और हम समस्त वैश्य समाज के मार्गदर्शन करेंगे। अलीगढ़ में निवास करने वाले सभी वैश्य समाज के उपवर्ग, अग्रवाल, वासने, महाजन, माहेश्वरी, जैन, खंडेलवाल, चतुश्रेणी, जायसवाल, सभी वर्गों के प्रमुख लोग इस गोष्ठी में रहेंगे। जी, वैश्य समाज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है आज और कल एक गोष्ठी होने वाली है हवीक गार्डन में 2 बजे से लेकर के, जिसमें सभी भाइयों की और बहनों की उपस्थिति अनिवार्य है। और जैसा कि विधानसभा के हमारे चुनाव होने वाले हैं, एक अच्छे उद्देश्य के साथ हमारा व्यापारी भाई और हमारा वैश्य समाज उसमें अपना योगदान देगा। एक जैसा कि बताया मानव जी ने कि केंद्रीय मंत्री हमारे आ रहे हैं, तो उनका पीयूष गोयल जी, उनका स्वागत है हमारे अलीगढ़ में। और
खबर चंदौली से है, जहां पर AIIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर जन अधिकारी पार्टी व AIIMIM के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिलाध्यक्ष हाजी शेख इलियास ने कहा कि ऐसा कार्याना हमला निंदनीय है, घटना में शामिल सभी हमलावर और साजिशकर्ताओं का खुलासा हो, घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सभी हमलावरों पर एक्शन लिया जाए। आने का मामला यह है कि कल माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, हमारे जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अभी जो बनाया गया है उसमें घटक दल में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और माननीय वामन मेश्राम साहब, सब लोगों की तरफ से यह निर्देश आया है कि यह जो कल उनके साथ जो घटना हुई है, इस तरह की घटनाएँ की पुनरावृत्ति न हो और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इस तरीके से लोकतंत्र को दबाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरीके से जब बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो आम आदमी का क्या हाल होगा। देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है जब एक चार बार का चुना हुआ सांसद के ऊपर इस तरीके का हमला होता है और ये बड़ी गहरी साजिश के तहत ये बात होती है, और उसके बाद तो भाई जो आम जनता है उनके साथ क्या हो सकता है। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो बाबा ने, जो हमारे योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री साहब है जिन्होंने कहा था कि गुंडा राज खत्म हो गया इस देश से, इस प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया, बुलडोजर चढ़ा रहे थे, तो हमारी सवाल है योगी जी से कि क्या वो इन जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है क्या उनके मकानों पर बुलडोजर चलाएंगे या उनकी संपत्ति जब्त करेंगे या उनके ऊपर UAPN ऐसे लगाएंगे। इलेक्टेड पे आने का मतलब ये है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो अभी पूरे जिले में इनका दौरा है ताकि आगे कोई खतरा ना हो, इसलिए हम लोग उनकी सुरक्षा की मांग करने आए हैं। और आगे जो भी इस तरह का कांड कर रहा है बहुत ही गलत हरकत है, ये किसी भी राजनीतिक लोग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी मानसिकता को जाहिर करने के लिए वो ऐसा हरकत कर रहे हैं। हम सरकार से ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी इस तरीके की हरकत में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अयोध्या जनपद में नामांकन के चौथे दिन बहुजन समाज पार्टी के सबीकापुर से प्रत्याशी सुनील पाठक ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर सादगी के साथ दो सीटों में नामांकन किया, कोविड प्रोटोकॉल के तहत नामांकन दाखिल किया। बता दें कि सुनील पाठक कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान नामांकन के बाद बाहर आए बसपा प्रत्याशी सुनील पाठक का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रत्याशी सुनील पाठक ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा, जनता का काम, जो 5 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई है। जनता की सेवा, जनता का काम, जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, जिस विधानसभा से 274 बीकाबर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुए हैं। जो वर्तमान विधायक हैं, मैं तो पूरे एक एक गांव में गया और वहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि तमाम सड़कें वैसे पड़ी हुई हैं, कहीं नल का इंतजाम नहीं है, प्राथमिक विद्यालय का इंतजाम नहीं है, कहीं कहीं तो लाइट का भी इंतजाम नहीं है। तो ये सब इंतजाम किया जाएगा और जनता जनार्दन 3,54,000 सम्मानित जनता वहाँ की है जो विधायक बनाएगी, तो जो आदेश करेगी सबसे पूछ करके उस विकास के कार्य को आयाम दिया। सिद्धार्थनगर में छठे चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया से पहले दिन कांग्रेस ने इटवा विधानसभा से उम्मीदवार अरशद खुर्शीद को अपना नामांकन किया। इटवा विधानसभा के उम्मीदवार अरशद खुर्शीद ने अपना नामांकन बहुत ही सादगी के साथ किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन के बाद बाहर निकले अरशद खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और जनता की एकमात्र उम्मीद है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार भी बनाएगी। अरशद खुर्शीद ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा से सपा के दिग्गज नेता माता प्रसाद पांडे और पिछली बार बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भाजपा से निर्वाचित हुए, लेकिन इन दोनों ही महान लोगों ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है।
मैंने कांग्रेस पार्टी से पहले दिन नॉमिनेशन सबमिट किया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पहले आता है उसको ऊपर वाला पहले जिताता है, इसलिए मैंने पहले दिन नॉमिनेशन किया। मैं इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जो इस पिछले 5 साल में इधर और उससे पिछले 5 साल में 10 सालों में जिस तरह से इटवा को ठगा गया है, जिस तरह से इटवा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, कभी 15 लाख के नाम पे, कभी नौकरियों के नाम पे, और उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी फैक्ट्री लगाने के नाम पे। वहीं देवरिया में थाना बलुआनी पर इनामी बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से एक देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि पकड़ा गया इनामी बदमाश एक शातिर पशु तस्कर है और अब उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना बरहत क्षेत्र के गांव रुचापार का निवासी रवि प्रसाद, जो एक सातिर पशु तस्कर है, थाना भलवनी के गैंगस्टर एक्ट में पिछले 1 साल से वांटेड चल रहा था और इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। उसे थाना मईल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर गाजीपुर से है, जहां सड़क पर खुलेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के काजी मंडी इलाके का है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के दौरान बीच झगड़े हुए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान दबंगों ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा। फिलहाल घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की कार्रवाई करने की बात कह रही है। देखिए, ये तुलसिया का पुल काजी मंडी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट होती दिख रही है। इसके संबंध में इंस्पेक्टर कोतवाली को जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये दरवाजा खोलने को लेकर विवाद लग रहा है, आगे जांच में जो बात सामने आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से दो पक्षों में जमकर मारपीट चल रही है, और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इतनी मारपीट के बाद भी मौके पर कोई पुलिस नहीं पहुंची। जब इस घटना का वीडियो वायरल होता है, वीडियो के देखने के बाद पुलिस ने इस घटना पर अभी कार्रवाई करने की बात कही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही गाजीपुर से सामने आ रही है। वही कासगंज में भाजपा उम्मीदवार का आवारा गौवंशों पर बेतुका बयान दिया है। अपने इस बयान से भाजपा उम्मीदवारों ने आवारा गौवंशों के पीछे यादव समाज को जिम्मेदार ठहराया है। कासगंज जनपद में आमपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हरिओम वर्मा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान आवारा गौवंशों पर बयान दिया। हरिओम वर्मा ने कहा कि यादव दूध पीकर गायों को छोड़ देते हैं और यही यादव समाज के लोग किसानों का नुकसान कर रहे हैं। वही अपने इस बयान के बाद भाजपा उम्मीदवार हरिओम चर्चा में बने हुए हैं। हमारे परजी देवेंद्र प्रताप सिंह, हमारे बड़े भाई, उनसे कुछ बचे हुए काम हैं विधानसभा में। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, वो काम पहले पूरे किए जाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, जो सड़क का विकास है वो भी करेंगे। जो दूसरे दल के लोग हैं, जैसे यादव समाज के लोग हैं, वो अपना उसे पूरा इस्तेमाल करते हैं, दूध पी के उन्हें गाय को छोड़ देते हैं दूसरे खेतों में रात को। तो ये तो विपक्षी साजिश है, कहने का मतलब यादव समाज कर रहा है। हाँ, और गाय पाल रहा है, और कोई नहीं पालता गाय। नहीं, पाल रहे हैं, गाय पालते हैं, सभी पालते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है वो। तो आपने देखे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।